इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है सृजनात्मकता की अवधारणा। इसकी कुछ बातें थी कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, सृजन से तात्पर्य क्या होता है। तो सृजन से तात्पर्य हमने पढ़ा था कि किसी रचना की या किसी चीज़ का निर्माण करना। सृजन का अर्थ होता है किसी चीज़ की रचना करना या किसी चीज़ का निर्माण करना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें चर्चा कर ली थी। इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कलाकृति कला तत्वों पर आधारित संयोजन है, इसमें सृजनात्मक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सृजनात्मक पक्ष तथा मौलिकता कलाकृति की अनिवार्य तत्व होते हैं। कला सृजन प्रक्रिया पर सर्वप्रथम लिखेंगे हम कला सृजन प्रक्रिया पर सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने, यूनान का जो दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कला सत्य की अनुकृति सत्य की अनुकृति की अनुकृति है कि अनुकृति है और अनुकृति है जो और अनुकृति होने के कारण और अनुकृति होने के कारण अनुकृति होने के कारण कला सृजन हानिकारक है। अतः कला सृजन हानिकारक है, अतः वे कृतियां श्रेष्ठ कही जा सकती हैं, अतः वे कृतियां श्रेष्ठ कही जा सकती हैं जो ईश्वरीय प्रेरणा से बनाई जाती हैं, जो ईश्वरीय प्रेरणा से बनाई जाती हैं। वे कलाकृतियां अनुकृतित नहीं होती है, वे कलाकृतियां अनुकृति नहीं है, जो ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा बनाई जाती है तथा कलाकृति का सृजन होता है। जो ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा बनाई जाती
है तथा सभी कलाकृति का सृजन होता है, तभी कलाकृति का सृजन होता है। ठीक है, दार्शनिक जो यूनानी दार्शनिक प्लेटो है वो उन्होंने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है और अनुकृति होने के कारण कला सृजन आदि का रहता है, वे कृतियां श्रेष्ठ कही जा सकेगी जो ईश्वर की प्रेरणा से बनाई जाती हैं, जिसमें ईश्वरीय प्रेरणा हो, ईश्वर विद्यमान हो, सत्य विद्यमान हो, वही कृतियां व्यक्त की जा सकती हैं। फिर दूसरा है जो लियोनार्डो दा विची ने, दूसरा जो वैज्ञानिक हुआ है लियोनार्डो दा विची, जो वैज्ञानिक हुआ है दूसरा लियोनार्डो दा विची, उन्होंने कहा है उन्होंने सौंदर्य व कलाकृति को देवीय प्रेरणा के स्थान पर मानवीय प्रक्रिया माना, मानवीय सृजन प्रक्रिया माना। ठीक है, उनके मतानुसार कलाकार अनुकृति नहीं बल्कि सृष्टि करता है। इनके अनुसार जो कलाकार हैं वो अनुकृति नहीं करता बल्कि किसी चीज का या किसी चीज का निर्माण करता है जो ईश्वरीय सृष्टि से भिन्न होती है। वस्तुतः कलाकार भी सृष्टा है और सृष्टि रचना के समय उसे मौलिकता से कार्य करता है जिस प्रकार की ईश्वर, परंतु कलाकार प्रकृति की रचना करके सृष्टि नहीं करता बल्कि सृष्टि इसकी करता है। इस प्रकार सृजनात्मक प्रक्रिया संवेदना की स्थिति में कलाकार के संपूर्ण मानसिक वैशिष्ट्य की सौंदर्य गुण अभिव्यक्ति होती है, अर्थात कलाकृति मानव मस्तिष्क की वह सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव को किन्हीं तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। अतः कह सकते हैं हम, अतः कलाकृति मानव मस्तिष्क की वह सृजनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों को इन्हीं कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है।
अतः मानव में ये सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ आरंभिक काल से देखी जा सकती हैं। बाल्यकाल से कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा बच्चे अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को करते हैं, जैसे हाथ पैर चलाने की प्रक्रिया, वार्तालाप का अनुकरण करना, रोना या हंसना आदि। इन सहज प्रक्रियाओं का कला के क्षेत्र में अत्यंत महत्व होता है तथा शिक्षा के विकास में भी यह महत्वपूर्ण होता है। इसके कला सृजन की प्रक्रिया को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास हैं उन क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यही क्लास खत्म करते हैं। आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।